मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद जीत हासिल की और वे विधायक बन गए। इसके पहले उन्होंने दलितों के लिए बेहद संघर्ष किया और दलितों की आवाज उठाने में वे सबसे आगे रहे। ग्रामीण जनजीवन से जुड़े डॉक्टर हीरालाल अलावा के बारे में कहा जाता है कि उनकी पैठ धार जिले में बेहद गहरी है और यही वजह है कि कांग्रेस में उन्होंने प्रवेश किया और उसके बाद टिकट मिलने के बाद उन्हें विधायक पद भी प्राप्त हो गया। उन्होंने अच्छे मतों से जीत भी हासिल की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर हीरालाल अलावा को कमलनाथ मंत्रिमंडल में कब शामिल किया जाएगा, क्योंकि कमलनाथ सरकार के लिए यह जरूरी है कि वे इस तरह के जो विधायक हैं, जैसे बुरहानपुर से ठाकुर शिव कुमार सिंह के भाई चुनाव जीते हैं, उसके अलावा बसपा विधायक हैं रामबाई, वे भी मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहती हैं। लेकिन डॉक्टर हीरालाल अलावा को मंत्रिमंडल में जगह देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वे धार जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं और धार जिले से वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को बेहद पराजय मिली है और कांग्रेस को यहां से जीत हासिल हुई है। कांग्रेस का जनाधार बना रहे और इसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बहुमत हासिल हो, इसके लिए यह जरूरी है कि डॉक्टर हीरालाल अलावा को मंत्री पद दिया जाना चाहिए। डॉक्टर हीरालाल अलावा से वैसे भी कांग्रेस द्वारा यह बात कही गई थी कि चुनाव जीतने के बाद उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इसलिए यह लाजमी है कि अब जब भी कमलनाथ मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें मंत्रियों के चेहरे के रूप में डॉक्टर हीरालाल अलावा का चेहरा भी सामने आएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।